वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये दूध है गाय का। जब गाय बच्चा जन्म दी है तो दूसरे दिन का दूध है। हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो लाके दे दिए हमको। तो चलिए हमने दूध को छान लिया है प्योज बनाने के लिए और इसमें मिलाएंगे हम चीनी, है ना। तो हम आपको बताएंगे कि प्योज कैसे बनाते हैं। देखिए दूध कितना गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और घर का दूध मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत गाढ़ा है। फिर उसके बाद ये पीसी हुई चीनी है, मैं चीनी अधिकतर पीसी हुई रख लेती हूँ क्यों स्वीट्स बनाने वाला। फिर इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे, फिर उसमें टेस्ट के लिए आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ जनरली ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते, मैं फ्लेवर के लिए इलायची ही डालूँगी। फिर चलो देखते हैं कि फिर कैसे बनाते हैं प्योज, तो आइए देखते हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। ऐसे नाइफ की हेल्प से हम चेक करते हैं। देखिए हमारे नाइफ में कहीं भी निशान नहीं है, मतलब ये रेडी हो चुका है। अब गैस ऑफ करते हैं ऐसे। अब इसको कपड़े की हेल्प से निकाल लेते हैं। भी काफी गर्म है, बहुत से ज्यादा ऐसे ही डाला। चल बंद कर। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है पेउस। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इनको पसंद नहीं है इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, सिर्फ इलायची डाला है, उससे भी टेस्ट अच्छा ही आता है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं पीस पीस में, बिल्कुल स्वीट्स जैसे। देखिए मैं प्योज को निकालने के लिए कितना मेहनत कर रही हूँ, ठोका पेटी कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक गलती की है इसमें। अगर मैं प्योज डालने से पहले अगर मैं ऑयल या घी लगा देती बटर तो ये दिन नहीं आता। इसलिए आप जब भी ट्राई करें उस पतीले में, बर्तन में या कोई भी टिन में घी या तेल का तेल ज़रूर लगाएं। उससे क्या है ये चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। मेरी तरह ठोकना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आपको। बस ना वक्त कदे ले बना भी। वाह यार कितना अच्छा है, OMG कितना अच्छा है। आपको मैं इनमें बताना गाइस ये स्वीट कैसे रहती है। OMG कितना टेस्टी स्वीट्स है, मुंह में जाते ही पिघल जाता है। कमेंट में बताइए कौन कौन ये स्वीट्स खाया है। वाकई यार बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।